फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है जुमतुल मुबारक और अब आज मेरी फ्रेंड की तरफ रिफ्ट आई है, तो बस उसके लिए तैयार होते हैं। अच्छा नहीं, मेरे साथ तो मुझे रिसीव हुआ है जैन फार्म की तरफ से ये पार्सल। और जैन फार्म, वैसे मैं बता दूं कि ज़बरदस्त है इनकी प्रोडक्ट्स। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे आया है तो इसके रिव्यू वैसे मैं पहले ही बता दूं कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये अमेजिंग प्रोडक्ट है स्किन के लिए। तो इसमें मुझे मिला है डर्मेवेका सुपर सेंसिटिव स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत अमेजिंग है। बहुत इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लाइक मैं इसको बड़े अरसे से यूज़ कर रही हूँ इनकी प्रोडक्ट्स को। इनका एक मैंडेलिक सीरम था, वो बहुत अच्छा है। इनका मैंने सनब्लॉक यूज़ किया हुआ है, जो कि मुझे इसके साथ अभी इन्होंने एक साशे में दिया भी है और ये मैं वैसे भी यूज़ कर चुकी हुई हूँ। और ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स, कमाल की प्रोडक्ट्स हैं स्किन के लिए। अच्छा, साथ ये मुझे मिला है जी फेस वॉश इनका, ये भी जैन फार्म की तरफ से ही था, मैक्सटिफ के नाम से है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले खैर खोल लिया था, आपको रिव्यू दे रही हूँ मैं इसका तकरीबन 2 हफ्ते बाद। तो ये देख सकते हैं कि मैंने कितना यूज़ कर लिया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बहुत स्किन ब्राइट होती है, जैसे कि मेरी हुई है। मेरी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई थी और रमज़ान की वजह से और वैसे भी, तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और जो इनका ये है मॉइस्चराइज़र, ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितना यूज़ कर लिया हुआ है। तो इस ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ी नहीं काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं स्किन पे लगा लिया है मैंने। तो इससे जो स्किन है ना, ऑल डे आपकी हाइड्रेट रहती है। बहुत कमाल है, मतलब मेरे जैसी स्किन के लिए कि ज़रा सा मैं ऐसे भी करती हूँ तो ये एकदम से रेड हो जाती है, ये जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो मेरे जैसी स्किन के लिए मुझे ये बहुत सूट करता है और हमेशा से ही इनकी प्रोडक्ट्स मुझे सूट करती हैं। और इसके अलावा आप लोगों को अगर लेना है तो बग़ैर किसी शक के, बग़ैर दिल में लाए कोई डाउट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत कमाल की, इनकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। इनका एक मैंडेलिक सीरम है, वो बहुत अच्छा है। इनका सनब्लॉक बहुत अच्छा है। और बस मैंने ये इनका जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया है मैक्सटिफ का, इसका जैन फार्म वालों का ही है ये भी, और इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं कि ये किस किस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, लाइक मेरी स्किन ड्राई हो रहता है तो सेंसिटिव भी है, तो ये मेरे लिए, मेरी स्किन के लिए तो परफेक्ट है। और मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए जिनकी मेरे जैसी स्किन है, उनके लिए भी ये बहुत परफेक्ट है। अच्छा, इवन इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपनी बेटी के लिए भी लगाती हूँ, फ्रेग्रेंस फ्री है ये। उसके अलावा ये जिन लोगों की स्किन का बैरियर काफ़ी डैमेज हो चुका है, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, इसको यूज़ करने से बहुत ही प्लम स्किन हो जाती है और काफ़ी यूथफुल होती है और काफ़ी ग्लो आता है स्किन पर। तो ये जो है मेरा तो बहुत ही फेवरेट ट्रीन इनकी, खाली यही नहीं, इनकी सारी प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो मेरे लिए बहुत मेरी फेवरेट है। और अब हम बात करते हैं इसकी फेस वॉश की। ये जो है स्किन फेस ब्राइटनिंग फेस वॉश है, मतलब ब्राइटनिंग फेस वॉश है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग करता है। और उसके अलावा इसके अंदर ग्लूटाथियन है, जो कि आप सबको पता है कि ग्लूटाथियन स्किन के लिए क्या काम कर। इसके अंदर B3 भी पाया जाता है, जो हमारी स्किन के इलेक्ट्रिसिटी को जो है इम्प्रूव करता है, ब्राइट करता है और एक अच्छा सा ग्लो देता है। तो मेरी तरफ से तो ये भी हाईली रिकमेंड। तो बस आज जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो स्किन रूटीन से हुआ है और अब मुझे जाना है मेरी फ्रेंड की तरफ इफ्तारी पर। तो मैंने ये इयररिंग्स निकाले थे पहनने के लिए, जो कि मेरे बड़े ही फेवरेट हैं। तो मैं यहाँ रेडी
धुल चुकी हूँ और तो ड्रेस जो है मेरा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने फुल डिज़ाइन किया था, इसकी स्लीव्स पे लेसेस लगी हुई हैं और पूरा कलियों वाला फ्रॉक है, और ये है कलियों वाला फ्रॉक, सारी कलियाँ हैं और उसकी कलियों पे भी मैंने लेसेस लगाई हुई हैं और दामन पे भी लेसेस लगाई हुई हैं। ये वैसे मैं अलग से भी आपको दिखा दूँगी और बहुत प्यारा ये लगता है। इसके साथ मैंने कुछ ये वाला है क्लच जो है वो कैरी किया है, ये बहुत ही प्यारा है, ये देखिए इसके कितने प्यारे से इसके ये, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको पकड़ती हूँ। ये रायमीन का मैं न्यू ड्रेस लेके आई थी और आज मैंने इसे पहना है, बहुत प्यारी लग रही है रायमीन। आप तो पीछे करके बाल दिखाओ जरा आपने ये, तो बस हम लोग जा रहे हैं, ठीक है चले रायमीन। जामे शीरी मैजा बना रही है कुछ कटलेट्स वगैरह बर्गर, और ये है नायाब, और ये क्या बना रही है इसको, टेबल सेट कर रही है, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें इसने बनाई हैं, अभी कुछ बाकी हैं। हाँ वो तो हमारे बहुत प्यारा है, इसने माशाल्लाह से लाउंज वगैरह सेट किया हुआ है अपना पूरा घर। मुझे ईदी भी मिल गई है, बड़ी प्यारी ईदी है, मैं दिखाऊंगी आपको घर चल। रुमाल गुम हो जाते हैं ना सवेरा, हाँ यार मेरे तो पता नहीं किधर चले जाते हैं। हाँ ये मैं पी रही हूँ चाय, ठीक है, और ये ग्रीन टी, आई एम चाय लवर। हाँ और मैं ग्रीन टी लवर। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और बहुत ही टेस्टी इसने निहारी बनाई हुई थी, है ना राय, अच्छी बहुत मज़े की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लोग आए, सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात थी ये इसके बच्चे है, ये नहीं ला वो अलग बात है कि बोला कि आखिरी टाइम पे आना है, ऊपर से कहती है, ऊपर से कहती है जब रोजा खुलने वाला होगा तब आना, अभी ना 15 मिनट रह गए थे, बच्चों को देखो जरा इसका। तो घर आके मैंने ये बैग खोला है, मुझे ये ईदी मिली थी बड़ी प्यारी सी नायाब की तरफ से, तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो ये हैं बड़ी ही प्यारी सी बैंगल्स, ये मेरी हैं और ये हैं रहमीन की, और ये जो सूट है ये रहमीन के लिए, बहुत प्यारा है, मैं दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर का शेड है, इस तरह से इसका ये ये अभी लाइट की कमी की वजह से ना थोड़ा सा कुछ ऐसा सा शेड है इसका, प्यार प्यारी चूड़ियाँ, और ये है मेरा बहुत प्यारा है, बहुत कूल शेड है, और ये भी मैं दिखाती हूँ आपको, और ये कुछ ऐसा सा है, इसका दुपट्टा है बहुत प्यारा, और जब ये स्टिच होगा ना तो ही पता चलेगा कि कितना प्यारा और लगता है। तो बस आज का व्लॉग ख़त्म होता है, ईद आने वाली है, बस ईद गिफ्ट्स चल रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, तो बस दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।